तो ब्रेकफास्ट में हर्ष अपने लिए लाया है, ये देखो पूड़ी है, इसलिए भी यहाँ पे थोड़ी सी फॉग वगैरह हो गई है। तो अपने हर्ष भी अब जा रहा है, तो चलो बाय हर्ष। मैं दाल चावल रोटी भुजिया सब्जियां चार सलाद। बहुत जोरदार नींद आ रही है सही में। अपनी ट्रेन को हाजीपुर जंक्शन स्किप करना था लेकिन यार सिग्नल ही नहीं मिला। ट्रेन नंबर 02569 दरभंगा न्यू दिल्ली हम सफर एक्सप्रेस, जो कि बिहार के दरभंगा को देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट करती है। और आज इस ट्रेन में अपन लोग जर्नी कर रहे हैं दरभंगा जंक्शन से न्यू दिल्ली तक। और अभी हम आए हुए थे यहाँ पर जयनगर, क्योंकि जयनगर में आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, जयनगर से नेपाल के लिए जो है एक ट्रेन लॉन्च की गई है, इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी। तो अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके वाली ट्रेन जर्नी देख सकते हो। और आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई बिहार संपर्क क्रांति कवर करो, लेकिन आपको पता है ना उसमें तो टिकट्स मिलना पॉसिबल है नहीं है, तो उसमें हमको टिकट मिला नहीं, तो हमको टिकट मिल गया इस हमसफर एक्सप्रेस में। तो आज की अपनी ये जर्नी इस हमसफर एक्सप्रेस में होने वाली है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। तो अपनी हमसफर एक्सप्रेस को दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहले से ही लगा दिया गया और कोचेस पे आराम इसके देख रहे हैं, किसी भी कोच पे ना ट्रेन का नाम लिखा है, कहाँ से कहाँ जाएगी वो भी नहीं लिखा है और ट्रेन नंबर वो भी नहीं लिखा है, बस ऐसे ही पूरे कोचेस हैं यार, पता नहीं क्या चक्कर है। और आज हम बता दें इस ट्रेन में अपन लोग ट्रेवल कर रहे हैं AC 3 टायर में और अपना कोच है B9 कोच में ट्रेवल कर रहे हैं। तो चलो आपको एक बार दिखा देते हैं अपनी सीट कौन सी है। वैसे ये जो कोच है ना, अभी हमने ऑनलाइन चेक किया तो ऑलमोस्ट लगभग खाली है। तो आज अपनी हमसफर एक्सप्रेस में लगा हुआ है कानपुर शेड का WAP 7। चलो चलते हैं अपने कोच में B9 में। ये देखो अभी तो फिलहाल काफी खाली है ये कोच और ये रही आज हमारी सीट। सीट नंबर है 33, लोअर बर्थ, लगेज पैक, चेन लॉक, रेडी फॉर डिपार्चर। निर्धारित समय से अपना डिपार्चर हो चुका है दरभंगा जंक्शन से। अपनी ट्रेन अब निकल चुकी है दरभंगा जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन की हम टाइमिंग्स बता दें तो डेली सुबह 6:30 पे निकलती है दरभंगा जंक्शन से और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 4 बजे पहुंचा देती है न्यू दिल्ली। और इस साइड को कल क्या है, रात में बारिश हो गई ना, तो इसलिए भी यहाँ पर थोड़ी सी फॉग वगैरह हो गई है, तो अपनी ट्रेन ज़्यादा स्पीड मेंटेन भी नहीं कर पा रही है। तो इस वीडियो का इंट्रो देखा होगा और अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको एनर्जी हमारी काफ़ी कम लग रही होगी यार, क्योंकि वाकई में एनर्जी काफ़ी कम है। रात में आज सोए हैं 3 घंटे, कल रात में भी सोए थे 3 घंटे, मतलब 2 दिन से सिर्फ 3-3 घंटे सोकर काम चला है, क्योंकि अभी वो नेपाल वाला इनॉग्रेशन था उसके चक्कर में नहीं सो पाए, फिर आज सुबह सुबह ये ट्रेन थी तो फिर नहीं सो पाए। बड़ी समस्या हो गई भाई, इतनी थकान है ना। लेकिन हम सोच रहे थे कि इस ट्रेन में बस सोते हुए निकल जाएं डेली, फिर हमने सोचा यार इस रूट से निकलना है और आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा जो है मैसेज और कमेंट्स आते हैं कि भाई ये वाला रूट कवर करो, मुजफ्फरपुर वाला और ये दरभंगा से होते हुए। तो हमने फिर सोचा यार चलो थोड़ा सा मेहनत लगेगी, हिम्मत करके कंटेंट बनाते हुए चलते हैं डेली। Thank you.
35 किलोमीटर कवर करने के बाद आ चुके हैं अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे समस्तीपुर जंक्शन। और ये रेलवे स्टेशन बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, फ्री वाईफाई जैसी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको 5 प्लेटफॉर्म्स भी मिल जाएंगे। और बात करें अगर अपनी ट्रेन की, तो यहाँ पर इसका 25 मिनट का स्टॉप है और अपन 20 मिनट बिफोर है, तो मतलब अब 45 मिनट अपनी ट्रेन रुकने वाली है। और इतना ज़्यादा स्टॉप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अपनी ट्रेन का हमसफ़र एक्सप्रेस का लोको रिवर्सल होगा। पीछे से निकाल के आगे की साइड अब लगाया जाएगा लोको, और अभी तक अपन इस डायरेक्शन में चल रहे थे, अब डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। और अभी देखो हर्ष आया हुआ था यहाँ पर समस्तीपुर, हम लोग सुबह ही निकले थे पैसेंजर से, यहाँ से क्या नाम है जयनगर से पटना वाली पैसेंजर से। तो ये लोग, ये और मोनू भाई उतर गए थे यहाँ पर समस्तीपुर, हम उतर गए थे पहले ही दरभंगा में, क्योंकि हमको ये वाली हमसफर से दिल्ली जाना था। तो ये नाश्ता कर रहा था अपनी भाई, नाश्ते में क्या है तो बता रहा लिट्टी है, पूड़ी है, तो गर्मा गर्म नाश्ता ले आया यहीं से समस्तीपुर से। सुबह सुबह निकले थे भाई, खाया पी के तो कुछ निकले नहीं। तो अपन लोगों का बस हो गया है सिग्नल, और हर्ष भी अब जा रहा है। तो चलो भाई हर्ष, चलो मिलते हैं बहुत जल्द। अभी ये सामने लगी हुई है यशवंतपुर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस। और ये सामने खड़ी हुई है अवध एक्सप्रेस। तो ब्रेकफास्ट में हर्ष अपने लिए लाया है, ये देखो पूड़ी है, पूड़ी के साथ आलू की सब्जी, और ये है लिट्टी, और इसके साथ में चने आलू की सब्जी, और साथ में मीठे में जलेबी। तो चलो ये खाते हैं, टेस्ट करते हैं कि कैसा जो है नाश्ता मिला है। वैसे ये रेलवे स्टेशन के पास से ही लाया है, ये समस्तीपुर जंक्शन के पास से ही। चलो सबसे पहले अपन ये लिट्टी जो है टेस्ट करते हैं। वैसे अभी हल्की हल्की गर्म है, और जब लिया था हर्ष तब बता रहा था एकदम गर्म है, लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडी हो गई है। टेस्ट यार सही है लिट्टी का, जो अंदर इसमें स्टफिंग रहती है ना उसका भी स्वाद सही आ रहा है। और बाकी छोले की सब्जी है इसमें, छोले की सब्जी अच्छी है, मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं है, मिर्ची मसाला तो बढ़िया है। तो हमको लग रहा था ये जो है ना लिट्टी है वैसी फ्राई वाली जो बनती है, लेकिन लिट्टी नहीं, ये कचौड़ी ही है। लिट्टी के नाम से जो है वहाँ बिक रही थी, लेकिन है कचौड़ी। इसके अंदर जो मसाला रहता है ना, जो दाल वाल भरी रहती है, वही चीज़ है। और साथ ही में ये पूड़ी है, तो पूड़ी भी है, वो भी हम इसी छोले की सब्जी से ही खाएंगे। सॉफ्ट है पूड़ी, पूड़ी तो ठंडी हो गई यार आते आते, बढ़िया है। उसमें लग रहा था हमको देख के थोड़ी बहुत मैदा मिली है, मिली तो है पूड़ी में, थोड़ी मैदा मिली हुई है। तो चलो यार फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और मिलते हैं आपसे सीधा मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ये आ चुके हैं अपन लोग अपने सेकंड स्टॉप पे मुजफ्फरपुर जंक्शन, जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है। इस रेलवे स्टेशन पे डेली 118 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 24 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। और अपनी हमसफर एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से अपना रूट जो है अलग होगा, कहाँ से होगा आगे से, सोनपुर जंक्शन से अपना रूट अलग हो जाएगा। सीधा एक रूट जाता है, वो जाता है पाटलिपुत्र होते हुए पटना के लिए, लेकिन अपन लोगों का रूट जो है वहां से डाइवर्ट हो जाएगा छपरा के लिए। चल हो चुका है मुजफ्फरपुर जंक्शन से, और साथ ही बगल में आ चुकी है जयनगर से पटना जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये आ चुकी है अभी दानापुर जयनगर इंटरसिटी।
भाई बहुत जोरदार नींद आ रही है सही में। अंदर बैठे हुए हैं ना, अभी क्या है छपरा आएगा, करीब 2 घंटे का गैप है, लगातार ट्रेन चलेगी नॉन स्टॉप 110 किलोमीटर की लगभग। तो अभी बैठे हैं अंदर ट्रेन में तो बहुत जोरदार नींद आ रही है। चलो यार गेट पे चलते हैं, थोड़ा ध्यान इधर उधर होगा ना, थोड़ी नींद कम आएगी, नहीं तो ऐसे तो हम सो ही जाएंगे, फिर जर्नी नहीं हो पाएगी, कुछ कंटेंट नहीं बन पाएगा, है ना। चलो आपको हाजीपुर जंक्शन का स्किप दिखाते हैं, पता नहीं देखो कैसी स्पीड में करेगी। वैसे अभी देखो, अभी फिलहाल लगातार 110 मेंटेन की हुए है अपनी ट्रेन, अगर इतनी ही स्पीड में स्किप मारा तो मजा आ जाएगा। ट्रेन को हाजीपुर जंक्शन स्किप करना था लेकिन भाई सिग्नल मिला ही नहीं और अपनी ट्रेन को यहीं पर रोक दिया गया। हम सोच रहे थे अच्छी स्पीड से स्किप हो, स्पीड तो छोड़ो भाई ये तो रुक ही गई, मतलब कहानी खत्म। और बाकी अब हाजीपुर पे ट्रेन रुकी है तो आपको एक चीज बता दें, यहाँ का जो बनाना है ना केला बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ का चीनी केला होता है, छोटे छोटा केला होता है तो वो यहाँ पर काफी अच्छा मिलता है, यहाँ पर मतलब फेमस है। तो आप कभी भी निकल लो इस रूट से तो लेके ट्राई जरूर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हाजीपुर जंक्शन पे आपको केले के अलावा ये ककड़ी वगैरह भी मिल जाएगी अगर आप खाना चाहते हो। ककड़ी है, केला है, केला तो देखो लाइन से और आगे भी बहुत सारे रखे हुए हैं, बहुत जगह मिल जाएंगे आपको, केला और ककड़ी ही चल रही है इधर। आज इस हमसफर एक्सप्रेस के अपन जिस कोच में ट्रेवल कर रहे हैं इसमें ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हो ना, ये ऑटोमेटिक डोर है, ये मतलब नॉर्मल वाला डोर नहीं है जो अपन लोग बंद करते हैं। ये देखो ऊपर की साइड पूरा पैनल लगा हुआ है, यहाँ पर लाइट्स वगैरह भी चल रही है, लेकिन इसको क्या है कि यहाँ से अलग कर दिया गया है, मतलब मैनुअल बना दिया है, ऑटोमेटिक लेकिन मैनुअल बना दिया गया है। सेम यही इसी के साथ किया है, यहाँ भी ऑटोमेटिक डोर है, ये देखो नीचे से पूरा कनेक्ट है, लेकिन पता नहीं यार क्या चक्कर है इसको चलाया नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें समस्या क्या है हम बताते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमसफर एक्सप्रेस है इसका पूरा रेक हमसफर वाला नहीं है, तो सभी कोचेस में होना जरूरी है ये फीचर, तभी एक ही जगह से ये ऑपरेट किया जा सकता है। वो कहाँ से होता है, वो करता है इस ट्रेन का गार्ड ऑपरेट, लेकिन इस ट्रेन में स्लीपर क्लास भी है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और कोच इसमें मिक्स भी किए गए हैं, मतलब हमसफर का भी कोच है और साथ में रेड एलिज भी कोच भी है, इसलिए ये ऑपरेशनल नहीं है। और अभी अपनी ट्रेन छपरा जंक्शन से पहले मौर्य एक्सप्रेस को यहाँ पर ओवरटेक कर रही है, बड़ा ही स्लोली कर रही है, बट और ये बगल से क्रॉस हो रही है न्यू दिल्ली न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट।
निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग छपरा जंक्शन, जो कि बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन से डेली 200 ट्रेन ऑपरेट होती हैं और ये रेलवे स्टेशन आता है अंडर वाराणसी रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। भाई लेट हो गई, क्या हुआ गया? अभी आउटर में धीमी स्लो चल रही थी, उससे पहले भी रुक रुक के आई है ट्रेन, नहीं तो बिफोर चल रही थी और 20 मिनट लेट हो गई। तो ये देखो भाई साहब, किसी ने यहाँ पर नल खोला, पानी जो है इस्तेमाल किया, उसके बाद नल खुला ही छोड़ गए। जो भी ऐसा करते हैं ऐसा मत किया करो यार, पानी जो है कितना बर्बाद हो जाता है इस चक्कर में। अब ये क्या, इसमें थोड़ा सा टाइट है, इसको अगर दबा देंगे ना तो ये क्या चलता रहेगा, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे तो ये बंद हो जाएगा। निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग वर्ल्ड के सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन पे। और ये रेलवे स्टेशन लखनऊ रेलवे डिवीजन के अंडर में आता है। डेली 190 ट्रेन्स का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है, बट स्पेशल ओकेजन्स पे जैसे फेस्टिवल्स होते हैं तो उस टाइम स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाती हैं, तब ये नंबर बढ़कर हो जाता है लगभग 473 ट्रेन्स। और अपनी हमसफर एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। और यार अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कि इस हमसफर एक्सप्रेस में पेंट्री कार नहीं है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स की जर्नी है, डेली ट्रेन चल रही है ये, उसके बाद भी पेंट्री कोच नहीं लगा हुआ है। तो खाना पीना सब आपको या तो कैरी करो या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करो। हमने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था, अब देखते हैं स्टेशन पे कुछ खाने पीने को मिल जाए, नहीं तो यार आज तो भूख के मारे हालत खराब हो जाएगी, जोरदार भूख लग रही है। तो अभी स्टेशन पर ही स्टॉल मिल गया, तो यहाँ से अपन ले रहे हैं अंडा चावल, पैक कर दीजिए। चलो अच्छा अभी ट्रेन में निकाले, और कुछ होगा खाने को? नहीं सर बस यही है। चलो ये अपन ले लिया है 2 अंडे का अंडे चावल, अपन को मिलाया 50 रुपये का, और बाकी अभी पानी वगैरह और लेना है। चावल रख दिए, बोतल रख दी, अभी और चीज़ लानी है, चलो फटाफट और चीज़ ला। चावल के साथ खाने के लिए ले लिया है ये छाछ, और बाद में मीठे में पीने के लिए ले ली है ये लस्सी। चलो चलते अपनी कोच की तरफ, रखते हैं ये सब, हो गया है समय अपनी ट्रेन के डिपार्चर का यहाँ से गोरखपुर जंक्शन से। गोरखपुर जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। वो आपको बता दें यहाँ से 275 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है, मतलब करीब 5 घंटे 25 मिनट तक अपनी ट्रेन अब कहीं भी नहीं रुकेगी, कहीं भी इसका स्टॉप नहीं है। अब सीधा कहाँ रुकेगी? लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन। तो ये है वो एक चावल जो अपन ने अभी गोरखपुर जंक्शन से लिए थे, है कुछ नहीं है, बस ये सब्जी है, मतलब करी है, चावल है और उसमें एग डाल दिए। टेस्ट तो ऐसा है कि मिर्ची है भयंकर, तीखा काफी ज्यादा है, और कुछ तो समझ नहीं आ रहा, इतना तीखा है समझ लो, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी में जो मिला वो खाना पड़ेगा भाई, कुछ मिला ही नहीं अभी। ऑर्डर करते हैं, देखते हैं जो लखनऊ का रेलवे स्टेशन आएगा ना ऐशबाग शाम को, वहाँ से कुछ खाना आ जाए, इससे तो काम नहीं चलेगा यार।
अभी अपन आ चुके हैं बाराबंकी जंक्शन। अपना स्टॉप नहीं है बट आगे हम देख रहे हैं तो सिग्नल ही नहीं दिया है अपनी ट्रेन को। चढ़ रहे हैं इस ट्रेन में सभी लोकल वेंडर्स यहाँ से। हाँ जी आ जाइए। ट्रेन कहीं रुकी नहीं, अब यहाँ रुकी है तो चलो यार चाय से लेते हैं। एक चाय दे दीजिए और भी अंदर पैसेंजर को चाहिए है। आ जाइए। गाड़ी चलने वाली है। सिग्नल कहाँ हुआ है? आप पैसा निकाल दीजिए आदमी। हाँ लीजिए ना। सही रहा अपनी ट्रेन यहाँ पर रुक गई भाई, चाय पीने का सबसे मन हो रहा है। मतलब ट्रेन चली है दोपहर में, अब से कहीं रुकी नहीं। हमने आपको पहले बताया करीब 5-5.5 घंटे का नॉन स्टॉप रन है। चाय तो मिल गई, चलो कम से कम यहाँ पर पीते हैं। कैसी चाय है? सही है यार, मतलब टेस्ट इतना भी खराब नहीं है, ठीक ठाक चाय है। सही है, काम इससे बढ़िया चल सकता है ऐसी चाय है। बात यह है ना कि ये एसी कोच में ट्रेवल कर रहे हैं ना, इसका एसी पता नहीं इतना ज्यादा कूलिंग कर रखी है तो ठंड लगने लगी यार। वैसे में चाय मिल गई ना, मजा आ गया। और शाम तो हो ही रही है, अब स्टेशन पे कहीं रुकती तो लेते, लेकिन स्टॉप ही नहीं है ट्रेन का और पेंट्री भी नहीं है। ये दो चीज का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना तो पैसेंजर भूखे प्यासे रह जाते हैं भाई। ना पेंट्री रहना और ना स्टॉप रहना, समस्या हो जाती है। अब तो देखो दिखाई दे लोकल वेंडर, अब तो पानी और चाय बेहिसाब बिक रही है ट्रेन में। और अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है पैरेलल रेस। है तो ये कोई सी हमसफर, बट कौन सी हमसफर है अंधेरे में दिख ही नहीं रहा है। काफी अच्छी अभी रेस चली हम सफर वर्सेस हम सफर। और आपको बता दें वो जो ट्रेन थी ना वो थी दरभंगा से अहमदाबाद जाने वाली क्लोन हम सफर एक्सप्रेस। पहले अपन ने उसको ओवरटेक किया, फिर उसने अपन को ओवरटेक के फरार हो गई। वो तो भाई निकल गई बहुत आगे फटाफट। तो आपको कैसी लगी ये रेस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। नाइट की रेस अलग ही मजा। निर्धारित समय से 50 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग ऐशबाग जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और पहले इस रेलवे स्टेशन को मीटर गेज रेलवे के लिए यूज किया जाता था, लेकिन 2016 में गेज कन्वर्जन होने के बाद इस रेलवे स्टेशन पे अब आपको सिर्फ ब्रॉड गेज लाइंस ही देखने को मिलेंगी। और अपनी हमसफर एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। वैसे यार बिफोर चल रही थी, लेकिन क्या हुआ इतना रुक रुक के आई ना ट्रेन कि भाई इतना लेट हो गई। और हमने अपना खाना इसी रेलवे स्टेशन से ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो आने वाला होगा। चलो अपनी सीट पे चल रहे हैं, हमको लग रहा है आ गया, ढूंढ रहा है अंदर यार ट्रेन में आगे खाने। तो ऐशबाग जंक्शन पे अभी ये बगल में अपने लगी हुई थी बिहार संपर्क क्रांति, उसको सिग्नल मिल गया, इसका हो गया डिपार्चर। अब देखते हैं भाई, खाना तो मंगा लिया लेकिन इधर से कुछ खुशबू आ रही है, देखते हैं इधर क्या बन रहा है भाई। बड़ी खुशबू आ रही है यहाँ से, पूड़ी बन रही है यहाँ पर जो है, पूड़ी सब्जी बन रही है तो उसी की खुशबू आ रही है। तो आप यहाँ से ये ले सकते हो अगर, क्योंकि इस ट्रेन में देखो खाना पीना तो है नहीं है, तो रात का आप डिनर यहाँ से ले सकते हो, ये पूड़ी सब्जी वगैरह।
ऐशबाग से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और ये जो थाली अपन ने मंगाई थी ना ऑनलाइन, चलो इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या भेजा है इनने। तो ऑनलाइन हमने वेज थाली ऑर्डर की थी, इसमें है 3 रोटी, तवा रोटी होती तो सही रहता लेकिन यार इनने तंदूरी रोटी भेज दी, चलो कोई नहीं क्या कर सकते हैं। निलॉन्स का मिक्स पिकल अचार दिया है, एक आलू और मटर की सूखी सब्जी, सैलेड, जीरा राइस, दही, दही है रायता, मतलब रायता ही है, दाल फ्राई है, और ये एक है पनीर की सब्जी, पनीर मसाला, और मीठे में गुलाब जामुन, और एक ये लस्सी तो हमने खैर अभी स्टेशन से ऐशबाग से ही ली थी। तो चलो फटाफट से डिनर कर लेते हैं। और ये वेज थाली हमको ऑनलाइन पड़ी है 150 रुपीज़ की, और आपको बता दें पूरी थाली में जो जो चीज़ें आई हैं सभी टेस्टी हैं, बस एक चीज़ को छोड़ के वो है रायता। रायता पता नहीं अजीब सा टेस्ट है, उसका मज़ा नहीं आया, बाकी हर चीज़ एक नंबर है भाई, मज़ा आ गया। रात का 9:30 बज रहा है, डिनर अपना कंप्लीट हो गया है और अभी अपनी ट्रेन 55 मिनट लेट चल रही है, मतलब कुछ भी कवर नहीं किया उल्टा और लेट हो गई। देखो स्पीड ही मेंटेन नहीं हो पा रही भाई, बिल्कुल धीमी धीमी चल रही है, और दिन भर आज ना भाई नींद में जैसे तैसे बस ये समझ लो कंटेंट बनाया है, सो नहीं पाए हैं, नींद आ रही है बहुत जोर से, 2 दिन की नींद हो गई है, आज है 3रे दिन की, तो अब सो जाते हैं। बस कानपुर सेंट्रल अपन स्किप करेंगे, अब सुबह जहाँ भी जैसे भी नींद खुलेगी तो बस वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। तो अभी सुबह का 4 बजने वाला है और कुछ देर में अपन लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो अभी एक चीज़ हमने आपको इस ट्रेन के बारे में नहीं बताई, तो चलो चलते हैं गेट के पास और वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। तो अब अपनी जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो चलो वो आपको वॉशरूम की कंडीशन दिखा दें। तो भाई देखो यहाँ पर बेसिन ये भी सही साफ है, साफ सफाई ठीक ठाक मेंटेन है। चलते हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम की बेसिन भी अच्छे से साफ है, पानी आ रहा है, हैंड वॉश भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और मिरर भी देखो एकदम बढ़िया से साफ है। मतलब वॉशरूम की अगर कंडीशन की बात करें, क्योंकि अपन बस जस्ट अभी दिल्ली पहुँचने ही वाले हैं, पूरे सफ़र के बाद भी वॉशरूम में मेंटेनेंस साफ सफाई की बहुत बढ़िया है, तो ये चीज़ देख के अच्छा लगा। निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन इस हमसफर एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन, देश की राजधानी दिल्ली। और बात करें अगर इस ट्रेन की एक्सपीरियंस की, तो भाई बढ़िया रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस ट्रेन की अगर फेयर की बात करें, तो इसमें आपको 2 क्लास मिलेगी, एक मिलेगी स्लीपर क्लास जिसमें आपको 740 रुपये देने पड़ेंगे, और इसमें AC 3 टायर में जिसमें अपन लोग ट्रेवल कर रहे थे इसमें आपको करीब 1840 रुपये देने पड़ेंगे। और स्लीपर क्लास में तो काफ़ी वेटिंग चलती है, लेकिन अगर आप AC क्लास में देखोगे ना, तो इसमें आपको इजीली टिकट मिल जाएगा, हमने तो एक दिन पहले ही जो है बुकिंग की थी इसमें, तो हमको इजीली टिकट मिल गया, कोई भी समस्या नहीं है। और बाकी जो भी इस ट्रेन के बारे में था हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई, कल रात में जो है अपनी ट्रेन 55 मिनट लेट चल रही, लेकिन दिल्ली अपन को 7 मिनट लेट ही पहुंचाया, काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया ट्रेन ने, तो ये चीज़ हमको काफ़ी सही लगी। लेकिन इस ट्रेन को ना टाइमिंग ही बहुत ज़्यादा थी, आप इसका शेड्यूल देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हाँ थोड़ी सी टाइमिंग भी ज़्यादा थी। और बाकी ट्रेन लवर्स HY अपनी इंस्टाग्राम ID देखो यहाँ मेंशन हो रही है ना, वहीं फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स हम देते रहते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ गाइस, IQ ऑप्शन को डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया।